हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? दिस साइड गुरुचरण। तो जैसे कि आईपीओ की पूरी मतलब एक लाइन लगी, झड़ी लगी हुई है, तो आईपीओ की लिस्ट में एक और आईपीओ आने जा रहा है। बैंक है तो ये काफ़ी अच्छा बैंक है, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसका मैंने पहले भी देखा है, साउथ में बैंक है। और इसमें अट्रैक्टिव बात यह है कि एफडी का रेट बहुत अच्छा, अट्रैक्टिव रेट दे रहे हैं। एफडी का रेट जो दे रहे हैं ना, 7 साढ़े 7 के पास दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बैंक को रिक्वायरमेंट है अपने को कंपटीशन में लाने के लिए, अपने आप को आगे निकालने के लिए। तो कंपटीशन की वजह से मतलब ये इंटरेस्ट के रेट ज़्यादा देते हैं, तो ताकि इनके पास डिपॉजिट ज़्यादा हों। सारा वैसे तो बैंकों का सारा काम तो एचडीएफसी ने कवर करके रखा हुआ, बट फिर भी छोटे छोटे बैंक का ये स्मॉल कैप इंडस्ट्री को फाइनेंस देने के लिए। तो सूर्योदय स्मॉल बैंक फाइल्ड द पेपर्स विद सेबी, सेबी के पास इन्होंने पेपर फाइल्ड कर दिए हुए हैं। बैंक हैज प्रपोज टू यूटिलाइज द नेट प्रोसीड फ्रॉम फ्रेश इशू टुवर्ड ऑगमेंटिंग इट्स टायर वन कैपिटल बेस टू मीट फ्यूचर कैपिटल रिक्वायर। पैसा इन्होंने कहाँ यूज करना है? फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए इन्होंने पैसा यूज करना है, जो भी पैसा आएगा। मतलब कहने का ये फ्रेश इशू है, बिल्कुल फ्रेश इशू है। द दोज ऑफरिंग शेयर्स थ्रू ओएफएस ऑफर फॉर सेल रूट इंक्लूड इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन आईएफसी, गाजा कैपिटल, एचडीएफसी होल्डिंग, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, डी डब्ल्यू एम इंटरनेशनल, मॉरिशियस लिमिटेड, अमेरिकॉप वेंचर्स। तो कहने का मतलब है कि इन्होंने अभी डॉक्यूमेंट, इसके बारे में जो भी आगे अपडेट होगा मैं आप लोगों को अपडेट देता रहूंगा। अभी तक तो इन्होंने यही बताया है कि कैपिटल मार्केट वॉचडॉग सेबी टू फ्लोट एन इनिशियल पब्लिक ऑफर ऑफरिंग कंप्राइजिंग, देखो, 1,15,95,000 इक्विटी शेयर इन्होंने फ्रेश इशू करने हैं, एंड ऑफर फॉर सेल अप टू 84,86,796 करोड़ इक्विटी स्क्रिप्ट बाय एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अकॉर्डिंग टू ड्राफ्ट पेपर सेबी फाइल्ड। द ऑफरिंग शेयर्स थ्रू द ऑफिस रूट इंक्लूड इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। स्मॉल बैंक हैज ओवर 20 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर विद ए मिक्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, डेवलपमेंट ऑफ फंड्स एंड प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर। एज मार्च 2020 नेटवर्थ ऑफ द बैंक स्टूड अराउंड 1,000 करोड़। ए कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इसकी है 30% तक है। इट हैज डिपॉजिट बेस ऑफ मोर देन 2,800 करोड़ एंड ग्रोस लोन पोर्टफोलियो अराउंड 3,700 करोड़। मतलब छोटा, जैसे एक उज्जीवन स्मॉल बैंक है तो आपको पता ही है कि डबल पे ओपन हुआ था वो शेयर। तो ऐसे ही मतलब ये भी जैसे भी आता आप लोगों को, मेरा तो इन्फॉर्मेशन देना आप लोगों का काम था, मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी है। और जो आज मैंने मेरा निफ्टी का टारगेट था 11,450 का टारगेट था, तो वहां तक 11,425 तक मार्केट गई है। मैंने 10,800 से तो 11,250 और 11,450 का टारगेट दिया हुआ था, वो आज लगभग पूरा हो चुका है। बैंक निफ्टी 22,200 का टारगेट था 10 बजे, वो टारगेट मेरा 10 बजे बाय दिया था, वो भी टारगेट पूरा चुका। SBI बाय किया था 188 से 191 तक बुक किया। SKF बाय किया 1450 से 1,470 किया। कोल इंडिया को बाय किया 119 से बुक किया। लार्सन में स्टॉप लॉस ऑटो किया 3-4 रुपये का, फिर भी ये शेयर ऊपर ही घूमता रहा। मतलब मूवमेंट नहीं है इस शेयर में। ICICI बैंक को बाय किया 366 से 370 तक गया। 11 बजे SBI लाइफ को बाय किया 818 से 824 में बुक किया। ICICI सिक्योरिटी को बाय किया 468 से 472 तक गया। HEG को बाय किया 740 से 748 तक गया। IFE इंडस्ट्री को सेल किया 602 से 598 तक गया। एशियन ग्रेनेट को सेल किया 1334 पे 292 से 288 पर बुक किया। अपोलो हॉस्पिटल को सेल किया 2093 से 2080 तक बुक किया। मतलब आज 10 इंटरडे कॉल्स बुक किए हैं और
दो बार, एक बार निफ्टी और एक बार बैंक निफ्टी को बुक किया। वैसे ही जैसे कि मैंने फ्राइडे को बोल दिया था 11,275 से ऊपर मार्केट बुल ही रहेगी, तो सेम मार्केट ने वैसा ही ट्रीट किया, गैप अप ओपनिंग की मार्केट ने, तो वहीं से मार्केट घूम गई। तो उज्जीवन फाइनेंस बैंक के बारे में, इसका जो बैंक है अपना सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसका काफ़ी अच्छा मतलब बैलेंस शीट भी मैंने देखी है, मतलब 42,000 करोड़ का इसका बिजनेस है, और हर साल मतलब 4,000-5,000 करोड़ पे ये हर साल अर्न कर रही है, ये मतलब 3,000 करोड़ पे अर्न कर रही है। तो ये ऐसे ऐसे बैंक नया कैपिटल लेके आते हैं, तो जो छोटे छोटे इन्वेस्टर होते हैं उनके लिए अच्छा होता है कि वो कहीं ना कहीं पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिनके पास स्पेयर फंड्स पड़े होते हैं, कहीं ना कहीं 30-40% की मूवमेंट अगले इस बार भी मिल जाती है किसी भी बैंक में या किसी भी नए आईपीओ में, तो अच्छा ही रहता है। कैम्स का आईपीओ जैसे आप लोगों को पता है कि डबल इशू है और 20% डाउन पे सेटल हुआ है। तो इस तरह से अगर मार्केट थोड़ा ऐसे ही ऊपर तक रही, ऊपर ऊपर घूमती रही, तो मतलब अच्छी लिस्टिंग हो सकती है इसकी भी। जब भी इसके बारे में नेक्स्ट अपडेट आएगा मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। तो अभी तक फिलहाल यही था। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो शेयर करो, लाइक करो। थैंक्स गुरचरण यार।